कोरिया में यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिला में रिपोर्ट ऑफ सिटी इंचन में बिजनेस कार एसोसिएशन इंटरनेशनल नंबर वन के प्लेटफॉर्म से सदर जियाउल हक ने कोरोना की मुकम्मल एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए एक खूबसूरत तकरीब मुनाकिद की। मजीद देखते हैं उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। वतन पाकिस्तान की तरह कोरिया में भी बिजनेस कार एसोसिएशन इंटरनेशनल नंबर वन के सदर जियाउल हक की तरफ से 75वां जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें मुबशर हसन अब्बासी, शफीक खान, सहेल गुजर, गुलाम रसूल, खालिद जराज, शाहद गिल, शारिक सईद, मलक मजहर, फराज मदनी, शहजाद खान, वजाहत अब्बासी, मोहम्मद नईम, हाफज वहीद, शहजाद भट्टी ने शिरकत की। तकरीब में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया और मिली नगमे गाकर हाजिरीन के दिल जीत लिए, जबकि कम्युनिटी की बेलौस और बेहतरीन खिदमात पेश करने पर तकरीब में अवार्ड भी दिए गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 12 अगस्त को यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में बिजनेस कार एसोसिएशन इंटरनेशनल नंबर वन के सदर और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सच्चे पाकिस्तानी जियाउल हक की तरफ से इंजन पोर्ट ऑफ इंजन सिटी की मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर ऑफिस की बिल्डिंग पर मौजूद वॉल स्क्रीन पर लगवाकर 24 घंटे 3 रोज तक हर 10 मिनट बाद पाकिस्तान की तारीखी मकाम और सियाती मकाम के मनाजर दिखाने पर सराहा गया, जबकि जियाउल हक ने दौरान गुफ्तगू कहा कि स्क्रीन का मकसद पाकिस्तान की कुदरती मनाजर और खूबसूरत सियाती मकाम को दुनिया के सामने पेश करना था, ताकि पाकिस्तान में सियाहत को फरोग हासिल हो और गैर मुल्की सियाह ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का रुख करें। खुसूसी तौर पर कोरियर की दिलचस्पी की जगह बुद्ध मजहब के मानने वाले की विजिट मकाम खास तौर पर दिखाए गए और यह पहली बार एक सच्चे पाकिस्तान की अच्छी काउश है।